आतंकी कनेक्शन के शक में पकड़े गए आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद एटीएस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की फोर्स ने शनिवार को नैनी के चकडोंदी मोहल्ले में सपा नेता नगर सचिव सारिक के यहां छापा मारा। छापेमारी में मिले संदिग्ध सामान को टीम अपने साथ ले गई है। इस मामले में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार दर्जन भर वाहनों से भारी फोर्स 4 घंटे तक वहां डटी रही। उसके घर जाने वाले रास्ते को सीज कर दिया गया था। बताया जाता है कि कई घंटे तक चली कार्रवाई के बाद एटीएस 4 लोगों को अपने साथ ले गई है। पुलिस ने आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली में पकड़े गए रिजवान को लेकर सुबह ही छापेमारी शुरू कर दी गई। सूत्रों की मानी जाए तो समाजवादी पार्टी के नगर सचिव सारिक के रिश्तेदार असद के यहाँ भी छापेमारी की गई है, जिसमें आतंकी कनेक्शन को लेकर कई राज खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं।